प्रभास क्यों बनने जा रहे हैं राधे श्याम? मिथुन चक्रवर्ती का इन सब से क्या है कनेक्शन? प्रभास की आने वाली फिल्म का नाम क्या होगा और इसकी कहानी में ज्योतिष ज्ञान का चक्कर क्या है? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इन दिनों सुपरस्टार प्रभास अपनी आने वाली फिल्म को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में है। इस फिल्म को राधा कृष्ण कुमार डायरेक्ट करने वाले हैं और ये फिल्म एक लव स्टोरी पर बेस्ड होगी जिसकी शूटिंग पिछले साल शुरू हो चुकी है और अब इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती की एंट्री हो गई है। जी हाँ, जिनका फिल्म में निगेटिव किरदार देखने को मिलेगा। अब मिथुन चक्रवर्ती के बारे में क्या ही कहें, उन्होंने बॉलीवुड को एक से एक बेहतरीन फिल्में दी हैं और साथ ही साथ एक से एक दमदार विलन के रूप को दिखाकर उन्होंने सबके खूब पसीने भी छुटाए हैं। 2006 में आई फिल्म चिंगारी में उन्होंने अपने करियर के सबसे दमदार विलन का किरदार निभाया जिसमें उनके साथ सुष्मिता सेन भी नजर आई थी। तो वहीं 1995 में आई फिल्म जल्लाद में भी उन्होंने विलन का किरदार निभाया था जिसके लिए उनको बेस्ट विलन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इनफैक्ट इस फिल्म में उनका डबल रोल था, विलन के साथ ही उन्होंने इस फिल्म में एक पॉजिटिव किरदार भी निभाया था। तो 1982 में आई फिल्म आमने सामने में भी उन्होंने विलन का रोल निभाया था और 2012 में आई ओ माय गॉड फिल्म को तो कौन भूल सकता है भला। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ने स्पिरिचुअल गुरु का बेहतरीन रोल अदा किया था। तो प्रभास की इस फिल्म के जरिए मिथुन तेलुगु सिनेमा में वापसी करने जा रहे हैं। पिछले दफा वो पवन कल्याण की फिल्म गोपाला गोपाला में दिखे थे। तो वहीं प्रभास, पूजा हेगड़े और मिथुन के अलावा इस फिल्म में भाग्यश्री भी नजर आने वाली हैं। भाग्यश्री उन एक्ट्रेसेस में से हैं जिन्होंने सलमान खान के साथ मैंने प्यार किया जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी है। तो वहीं 2017 में बाहुबली 2 के बाद प्रभास पिछले साल फिल्म साहो में नजर आए थे। ये एक एक्शन फिल्म थी जिसमें श्रद्धा कपूर उनके ऑपोजिट नजर आई और इस फिल्म ने करीब 300 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। प्रभास की ये आने वाली फिल्म तेलुगु भाषा में बनाई जाएगी जिसके बाद इसे कई और भाषाओं में भी डब किया जाएगा। दरअसल प्रभास इस फिल्म को पूरे देश के दर्शकों के सामने पेश करना चाहते हैं और यही वजह है कि वो ऐसी स्टार कास्ट को फिल्म का हिस्सा बनाना चाहते हैं जो काफी रोचक प्रतीत हो और पूरे देश में इसका फायदा उठाया जा सके। फिल्म की कहानी की अगर बात करें तो ये फिल्म 1970 के समय के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी और इस फिल्म में प्रभास एक ज्योतिषी की भूमिका में नजर आएंगे। लेकिन फिल्म के नाम में अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। जी हाँ, इस फिल्म का नाम ओ डियर या राधे श्याम हो सकता है। तो दोस्तों, आप प्रभास की इस आने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म को लेकर कितना एक्साइटेड हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।